बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीलॉग। आज की वीलॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चिल्ड्रन एसेसरीज, जिसमें हमारे पास बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उनके टॉयज़ आ जाते हैं, क्लोथ्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी और जितनी चीज़ें हैं वो मैं सारी वैरायटी आपको अपने इस वीलॉग में दिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है ये चेज़ वैल्यू सीरीज़ का पार्ट 3 है। पहले हमने मेन एंड वुमेन का देखा है, अब हम देखेंगे बेबीज़ कलेक्शन। अच्छा जी, यहाँ टॉप पे जो बॉक्स है उसमें बहुत ही क्यूट क्यूट से बेबीज़ के सॉक्स पड़े हुए थे। उसके अलावा जो मिनी बेबीज़ आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पे आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की सब की कलेक्शन मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बैग्स लगे हुए हैं। बैग्स ऑब्वियसली जो न्यू स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके लिए हमें ज़रूरी होते हैं, वो मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये सोल्जर गन्स जो थी ये जस्ट 250 रुपीज़ की मिल रही थी। ये मिनी बैग्स जो थी छोटी बच्चियों के लिए ये भी 250 रुपीज़ तक अवेलेबल थे यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मैं टॉयज़ के सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पे आने के बाद तो जैसे बंदा जन्नत में आ गया हो ऐसा महसूस हो रहा था। इतने खूबसूरत खूबसूरत टॉयज़ थे वहाँ पे, डॉल्स थी, हर तरह की वहाँ पे टॉयज़ की वैरायटी अवेलेबल थी। वैसे तो मेरी अब टॉयज से खेलने की उम्र ख़त्म हो चुकी है, पर दिल तो बच्चा है जी। मुझे दिल करता है कि मेरे पास सब टॉयज़ बस मेरे पास अवेलेबल हो, मुझे बस चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ, मैंने कोई टॉय वहाँ से बाय नहीं किया था क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं किया गया था। बड़ी हो चुकी हूँ ना, बस यही सुनने को मिलता है। टॉयज़ की वैरायटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और ये 500 से ऑनवर्ड आपको, जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको मिल रहे थे वहाँ पे टॉयज़। देन ये बुक्स का सेक्शन आ गया था, यहाँ पे भी बेशुमार बुक्स थी, आप जाके वहाँ से देख सकती हैं। मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि मेरे घर में बुक्स बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। फिर ये वाला सेक्शन जो मैंने देखा था ये विमेन एक्सेसरीज से रिलेटेड था, तो इसको मैंने बस इस वीडियो में स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ अपने वीडियो में। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला बहुत ही खूबसूरत सेक्शन आ चुका था स्टेशनरी का। मेरे पास बेशुमार स्टेशनरी है और आज तक है और हमेशा लेती रहूँगी क्योंकि मुझे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टेशनरी की जो वैरायटी है वो 250 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट स्टेशनरी अवेलेबल थी। पेंसिल कलर्स, पेंसिल मार्कर्स, हाइलाइटर्स, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी और बहुत ही क्यूट क्यूट स्टफ़ अवेलेबल था वहाँ पे। सामने बच्चों के रेजर लगे हुए हैं जो कि हर डिज़ाइन में, हर स्टाइल में अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टिकी नोट्स भी अवेलेबल थे वहाँ पे, एनिमल्स अवेलेबल थे। ये सब जो है 199 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुए हुए थे। फिर जी यहाँ पे ये सेक्शन भी टॉयज़ वाला था, यहाँ पे बॉल्स वगैरह पड़ी हुई थी, गन्स वगैरह थी, बैट थे, हर तरह का टॉय यहाँ पे भी अवेलेबल था जो कि यूजली बॉयज़ के खेलने के लिए था। अच्छा जी, इसके बाद मैंने मूव किया स्टफ टॉयज़ के सेक्शन की तरफ और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट स्टफ टॉयज़ लगे हुए थे, बहुत ही क्यूट से डक्स थे, पांडास थे, बियर्स थे, इतने खूबसूरत कैट्स थी। इनकी प्राइस जो थी वो स्टार्ट हो रही थी 399 से ऑनवर्ड, यानी कि आप अगर कोई भी स्टफ़ टॉय लेते हैं तो वो उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइसेस जो हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग थी। पांडा वगैरह की प्राइसेस जो थी वो 500 से अबव थी और जितनी भी इनकी प्राइसेस थी ना वो डिपेंड कर रही थी इनके साइज़ पे। कुछ 500 से बिलो थे और कुछ 500 से अबव थे, मोस्टली 500 से अबव ही थे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको क्यूट सा पिंक पैंथर भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं मूव कर रही थी यहाँ पे बच्चों के क्लोथ्स के सेक्शन में। यहाँ पे जीन्स वगैरह जो बच्चों की स्टार्ट हो रही थी वो 700 से स्टार्ट हो रही थी
और जो शर्ट्स थी वो भी 700 से लेकर 1500 तक थी। इसी तरह आपको बच्चों के ये टू पीस भी 1500 तक इजीली अवेलेबल वहाँ पे मिल सकते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जो बच्चों की जैकेट्स थी वो भी 1500 से ऑनवर्ड थी और ये जो बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस थे बच्चियों के, ये भी 2000 तक आपको एक बेहतरीन सा बच्चों का ड्रेस मिल सकता है। बच्चियों पे फैंसी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और आजकल इनकी प्राइसेस तो बस आसमान पे है, तो यहाँ पे ये ड्रेसेस भी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। जैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे 1500 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही थी और बहुत ही फ्लफी सी जैकेट्स थी, बहुत ही वॉर्म लग रही थी देखने में। मैंने कुछ ऐसा चेक नहीं किया क्योंकि मुझे किसी भी बेबी के लिए कपड़े लेने नहीं थे, पर मैंने आपके लिए बस एक क्विक ओवरव्यू ले लिया। खैर जी, मेरा यहीं पे वीलॉग एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।